वैसे इस दुनिया में आपने खतरनाक से खतरनाक सांप या खूबसूरत तो देखे होंगे, लेकिन आप दुनिया के सबसे बड़े सांपों के बारे में जानते हैं जिन्हें इंसानों द्वारा कई बार देखा गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे बड़े सांप से रूबरू करवाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्राजील रिवर एनाकोंडा। ब्राजील की नदी में जब कुछ लोग बोट से घूमने निकले तब उन्होंने एक विशालकाय एनाकोंडा सांप को देखा जो उनकी नाव के आसपास ही घूम रहा था। इस एनाकोंडा का पेट फूला हुआ था जिसे देखकर पता चलता है कि इसने हाल ही में किसी बड़े जानवर को अपना शिकार बनाया था। इस वीडियो में नाव चला रहा आदमी कई बार सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस सांप की लंबाई 30 फीट और वजन 550 पाउंड था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं, वे अपने शिकार को जकड़कर मार देते हैं। उत्तरी ब्राजील में एक निर्माण साइट पर काम कर रहे मजदूरों के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने एक विशालकाय सांप को देखा। मजदूर अल्टामीरा में काम कर रहे थे कि उन्होंने जो की आवाज सुनी और सभी इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते एक विशालकाय एनाकोंडा उनके सामने आ गया। नंबर 2, मेडुसा स्नेक। इस सांप को 12 अक्टूबर 2011 कंसान सिटी में देखा गया था। इस सांप की लंबाई 21.2 फीट थी और उस समय के दुनिया का सबसे लंबा सांप समझा जाता था। इसकी उम्र 10 साल थी और इसे उठाने के लिए 15 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। इस सांप को पकड़ने के बाद फून मून नामक प्रोडक्शन कंपनी ने एडॉप्ट किया था। इस सांप को नाम दिया था। इसे खाने के लिए खरगोश हिरन जैसे जानवर दिए जाते थे। नंबर 4, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नेक। दुनिया का सबसे लंबा पाइथन 2016 में खोजा गया था। इसकी लंबाई 26.2 फीट थी, लेकिन 3 दिन बाद ही अंडे देने के दौरान इस सांप की मौत हो गई। मलेशिया में पाया गया यह सांप मेडुसा सांप से भी लंबा था। इसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है और ऐसा माना जाता है कि इतना लंबा सांप 75 अंडे दे सकता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी बड़े जानवर को निगलने के बाद पाइथन के शरीर में अचानक काफी बदलाव आ जाता है। नंबर 3, कॉन्गो स्नेक। सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ फाइटर जेट के विमान के एक पायलट ने मिशन से वापस आते समय अफ्रीका के कॉन्गो जंगल में एक बहुत बड़ा सांप देखा था। जब तक वह इस सांप को सही से देख पाते उनका हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था, इसलिए पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को वापस घुमाया तो उन्होंने देखा कि यह जीव असल में एक बहुत बड़ा सांप था। उन्होंने इस सांप के कुछ फोटो लिए और फिर उन्होंने इस सांप को और करीब से देखने के लिए और खींचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर सांप के करीब पहुंचा तो सांप ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। पायलट का दावा था कि उस जगह से नहीं भागते तो उनके हेलीकॉप्टर को निगल सकता था। बाद में इन फोटो को देखकर इसकी लंबाई का अंदाजा लगाया गया तो लगभग 100 फीट की थी। नंबर 5, 33 फीट लंबा एनाकोंडा। 33 फीट लंबा यह एनाकोंडा अब तक दुनिया में पाए गए एनाकोंडा में से एक था। एनाकोंडा को एक ब्राजील के कॉन्सेप्ट साइट पर देखा गया था। वह वहां पर खड़ी एक इमारत को गिराया गया तो वहां पर गिरा मलबा अपने आप हिलने लगा। मजदूर आगे बढ़े तो उन्होंने एक विशाल एनाकोंडा दिखाई दिया। जब मजदूर आगे बढ़े तो वह भाग खड़े हुए। कॉन्सेप्ट साइट पर मौजूद इंजीनियर ने बड़ी सूझबूझ से सांप की पूंछ को बांधकर एक 3 मंजिला ऊंची क्रेन से उठवाया तो, लेकिन सांप की लंबाई ज्यादा थी जिस वजह से सांप का मुंह जमीन को छू रहा था। इस सांप की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी जिसमें इस विशालकाय सांप को
दिखाया गया था। इसकी लंबाई 33 फीट और वजन 40 किलोग्राम था। लेकिन ये सांप मलबा गिरने और क्रेन से उठाए जाने पर घायल होकर मर गया। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा सांप सबसे बड़ा और लंबा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।